जोरहट से हम लोग प्लेन लेते थे दिल्ली का, तो मैं जोरहट चला गया और जोरहट भी तैनात रहा। हिंदू राष्ट्र यूसीसी जनसंख्या कानून लागू करने को लेकर यह रैली निकाली गई है। रामगंज में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विशाल भगवा वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से ये भगवा रैली निकाली गई है। युवा शक्ति मंच की ओर से राजधानी जयपुर में भगवा रैली का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो रैली में लोग हैं वो शामिल हैं। वाहन रैली की जा रही है जिसमें भारी संख्या में जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहां पर शामिल हैं। जो राम भगवान श्री राम का जो रथ है वो इस रैली में रखा गया है। हिंदू राष्ट्र यूसीसी जनसंख्या कानून लागू करने सहित तमाम मांगों को लेकर जो रैली का आयोजन है वो किया जा रहा है। खोले के हनुमान जी मंदिर से रामगंज बड़ी चौपड़ गौरी बाजार होते हुए रामलीला मैदान तक जो रैली है वो ये निकाली जाएगी। रैली के मार्ग पर भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में जो लोग हैं वो रैली में मौजूद हैं। धूमधाम से रैली निकाली जा रही है। भगवान श्री रामचंद्र के जो भजन है जो महिमा है वो रैली में गाई जा रही है। डीजे बैंड बाजे के साथ जो रैली है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। भारी संख्या में हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल है। करीब खबर जयपुर से है, जहां बड़ी चौपड़ पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से निकाली गई भगवा रैली का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबके लिए हित की सोचना ही हिंदू समाज की कल्पना है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ फौज तैयार की जा रही हो और दूसरी तरफ हम तो हमारे एक किए जा रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए और सबके लिए एक कानून होना चाहिए। आज के दिन आज़ादी से पूर्व एक लक्ष्मणानंद जी महाराज थे जिन्होंने गो हत्या बंद करने के लिए अंग्रेजों और मुगलों को भगाने के लिए आंदोलन किया था और उसमें वह शहीद हो गए थे। उसी उपलक्ष्य में भगवा रैली निकाली जाती है। तो है ही भारत और हिंदू 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 एक संस्कृति है, परंपरा है, जीवन जीने की कला है और सबके लिए हित सोचना, सबके हित में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखना, यही हिंदू समाज की कल्पना है। और वही